हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानीज किचन। आज एक हम फिश की रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। ग्रिल फिश बनाएंगे, महाशेर ग्रिल फिश। आइए कुछ मेरे अंदाज में बनाते हैं महाशेर ग्रिल फिश। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आइए हम देखते हैं। उसको हम दो स्टेप्स में बनाएंगे, पहले मैरिनेट करेंगे, उसके बाद उसका सैलड बनाएंगे, उसके साथ सर्व करेंगे। आइए 9 से 10 पीस फिश ले लिया है हमने, और ये 3 कुटी हुई लाल मिर्च, 9 से 10 काली मिर्च कुटी हुई, ये नींबू का रस, नमक। ये सलाद के लिए हमने लिया है 1 कटा हुआ शिमला मिर्च, 1 कटा हुआ टमाटर, 1 कटा हुआ खीरा, ये पत्ता गोभी, कटा हुआ गाजर, ये 3 कटी हुई हरी मिर्च, ये कसूरी मेथी, 1 प्याली दही फ्रेश, कटा हुआ हरा धनिया, तेल और ये हरी चटनी। इसके साथ सर्व करेंगे। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ये एक हमने बड़ा सा प्लेट ले लिया है, अब इसमें हम फिश को डाल देते हैं क्योंकि अच्छे से मैरिनेट करना है हमको। चिली फ्लेक्स, नमक और नींबू का रस और कुटी हुई काली मिर्च हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए हम छोड़ देते हैं। हम इसको, ये हमने एक ग्रिल पैन ले लिया है, हम इसको ग्रिल पैन में बनाएंगे। आप चाहें तो अवन में बना सकते हैं, ग्रिल्ड पे बना सकते हैं, तंदूर पे बना सकते हैं, हम इसको पैन में बनाएंगे। ये हम 2 से 3 स्पून तेल ऐड कर रहे हैं, 3 स्पून लगभग। यूं सौते कर देते हैं, ये घुमा देते हैं चारों तरफ से। अब ये हमारा फिश 15 से 20 मिनट हो चुका है, अब इसमें हम लगा देते हैं पैन में। सारे फिश को हमने लगा दिया है और जो इसका पानी बच गया है मैरिनेशन का, इसको भी हम यूं घुमा के डाल देते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके, और रेसिपी को लाइक जरूर करें। अब इस पैन को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं जब तक मीडियम फ्लेम पे, छोड़ के इधर हम सलाद बनाएंगे। इसमें हम 2 स्पून तेल ऐड कर रहे हैं। तेल गर्म हो जाए हमारा, अब इसमें हम ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। ये ऐसे घुमा देते हैं। उसके बाद ये सारी कटी हुई सब्जियां हम डाल देंगे इसमें। अब इसमें नमक 1/4 स्पून हम ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करें। इसको 1 से 2 मिनट तक सौते होने देते हैं, ज्यादा कुक नहीं करना है, बस 2 मिनट तक सौते करना है। ये हमारी सब्जियां बिल्कुल हो गई हैं, बस 2 मिनट के लिए किया था, बस इनको हल्का पका हुआ होना चाहिए। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं।
बड़े बाउल में हम ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें ये हमने कसूरी मेथी जो लिया था इसको ऐड कर लेते हैं। ये गया हरा धनिया, और ये दही हमने जो लिया था फ्रेश दही उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया था, इसको ऐड कर लेते हैं। इसके बाद इसको हल्का सा मिक्स कर देते हैं। ये हमारा ग्रिल्ड फिश के साथ सैलेड सर्व करने के लिए तैयार है। दोनों साइड से हमने पलट के मछली को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। हमारा मछली ग्रिल हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। आइए सर्व करते हैं। हमने ये फिश को प्लेट में लगा लिया है। अब इसमें हम सर्व करते हैं। ये हरी चटनी यहाँ रखते हैं और ये जो सलाद हमने तैयार कर दिया है इसको साइड से हम लगा देते हैं। ये हमारी महाशेर ग्रिल फिश तैयार है। इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और ये रेसिपी कैसी लगी हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर एक और टेस्टी हेल्दी और सिंपल रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।